आखिर क्यों है संजय दत्त और रवीना टंडन पर सबकी नजरें? केजीएफ चैप्टर 2 में क्या सब होने वाला है और ऐसी क्या वजह है जो केजीएफ चैप्टर 2 को खास बनाती है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक बहुप्रतीक्षित फिल्म केजीएफ 2 के बारे में। प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ 2 में संजय दत्त के साथ ही रवीना टंडन के लुक को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखी गई है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर क्यों रवीना टंडन और संजय दत्त का इंतजार बाकी कलाकारों से ज्यादा हो रहा है? तो आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 में कोई भी हिंदी कलाकार नहीं था, लेकिन केजीएफ ने जिस तरह साउथ इंडिया के साथ ही नॉर्थ इंडिया में भी जलवा बिखेरा, इससे प्रशांत नील को यश और केजीएफ फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो गया। इसी वजह से उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 में बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकारों को बड़ी भूमिकाएं दी हैं। अब संजय दत्त और रवीना टंडन की वजह से केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। केजीएफ चैप्टर 1 में यश ने ऐसा जादू बिखेरा था कि हिंदी भाषी लोग थलाइवा रजनीकांत और बाहुबली प्रभास को भूल बैठे और उन्हें लगा कि यश की फिल्में तो वाकई कमाल की होती है और इससे अच्छा मौका नहीं था कि हिंदी और साउथ सिनेमा को मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए। वैसे तो यश, श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन समेत अन्य कलाकारों द्वारा निभाए जाने वाले किरदारों के साथ और निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 काल्पनिक कहानी पर आधारित है। लेकिन क्या होने वाली है इसकी कहानी? तो आपको बता दें कि इसमें यश यानी रॉकी गारूडा को मारने के बाद पोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जा कर लेता है। गारूडा के मरने के बाद उसका चाचा अधीरा पोलार गोल्ड फील्ड पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश में दुबई से वापस भारत लौटता है और यश को चुनौती देता है। केजीएफ चैप्टर 1 का जिस तरह पिक्चराइजेशन किया गया था, वह भारतीय सिनेमा के लिए और खासकर हिंदी दर्शकों के लिए एक नई बात थी। शानदार विजुअल इफेक्ट्स, जानदार डायलॉग्स और यश के साथ ही अन्य कलाकारों के लार्जर देन लाइफ किरदार ने फिल्म को इतना भव्य बना दिया कि हिंदी भाषी में बनी शाहरुख खान की फिल्म जीरो भी इसके सामने फ्लॉप हो गई थी। यश और केजीएफ की पॉपुलैरिटी का आलम ये रहा कि लोगों ने कई बार ये फिल्म देखी और अभी भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये फिल्म हिट है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली फिल्म भी इसी तरह हिट रहेगी। लेकिन ऐसा एक्शन तो ज्यादातर हर साउथ की फिल्म में देखा जाता है, तो ऐसी क्या वजह है जो केजीएफ 2 को खास बनाती है? आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 1 की सफलता के बाद प्रशांत नील ने जब केजीएफ चैप्टर 2 लिखना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी रखी जिसे हिंदी समझने वाले दर्शक पसंद करते थे, वरना ऐसा होता है कि साउथ की फिल्में हिंदी भाषी के दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं देखते, भले ही टीवी पर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो साउथ इंडियन फिल्में देख लेते हैं, लेकिन बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्में हिंदी भाषा में भी उतनी ही पॉपुलर हुई जितनी बॉलीवुड की फिल्में होती हैं। इसी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 को तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ ही हिंदी में भी डब करने की कोशिश हुई और प्रशांत नील की ये कोशिश रंग भी ले आई। आपको बता दें कि अब केजीएफ चैप्टर 2 में हिंदी भाषा के दर्शकों को इतना मसाला मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि यश के सामने सलमान खान भी फेल हो जाएंगे। अब देखना तो ये है कि जितने दावे प्रशांत नील ने अपनी स्क्रिप्ट को लेकर किए हैं, क्या वो सब पूरे हो पाएंगे? जो उम्मीद हिंदी भाषी के लोगों ने इस फिल्म से लगाई है, क्या केजीएफ 2 उस पर खरी उतर पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।